ये देखो भाई, बस आप देखते रहना यहाँ पे, आप सिर्फ यहाँ पे देखते रहना इसका टॉप स्पीड कितना जाता है। मैं आगे देखता हूँ, आप मीटर कंसोल के पास देखते रहो भाई। कि फ्रंट का भी ब्रेक लेते हैं और रियर का भी ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कितना मतलब दूर जल्दी ये रुकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एलेक्सिन जो लिखा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, देख रहे हो ब्रेकिंग भाई, ये एलेक्सिन देखो हमारे यहीं पे है बाजू में। हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या कहते हैं ना कि भाई ये जो अपाची आरटीआर 160 है ना, इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस का वो आने वाला है। तो मैं उनको हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख रहे होगे ना, ऑल न्यू अपाची आरटीआर 160 सीसी की ये बाइक लगी है। और आज ना मैं इस बाइक का आपको टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ, यही जगह पे मैं आपको इसका टॉप स्पीड दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये गाड़ी ओवरऑल माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड क्या है, ऑन रोड प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है। और वहीं पे आप इसका जो टायर देखोगे ना, ये आपको 90 mm चौड़ाई के साथ इसका टायर मिलता है। टायर का क्या परफॉर्मेंस है ओवरऑल, ये जो बाइक है वो सुपर मोटो एबीएस डिस्क ब्रेक के साथ आती है। तो आखिर इसका एबीएस जो है वो किस तरीके का यूज होता है, कैसा ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस है। इंजन की अगर बात करें तो 159 cc का आपको इसका इंजन सक्शन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 16 PS की रहती है और 13.8 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। 1000 ml का इंजन ऑयल फिल करने का सिस्टम मिलता है। गाड़ी जो है वो पूरा का पूरा FI सिस्टम के साथ है। 12 लीटर का आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिलता है। सीट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगल सीट में मिलता है। पीछे सेक्शन की अगर बात करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर MIG का नाइट्रॉक्स टाइप का हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन मिलता है। और मीटर कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको मोड्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहां पे देखोगे स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और यहां पे अर्बन मोड। तो बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। आज के इस वीडियो में आपको सभी मोड्स में इस बाइक को चलाने वाला हूं, प्रॉपर राइड रिव्यू दूंगा आपको, माइलेज बताऊंगा, ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, टोटल अपाची आरटीआर कितने वेरिएंट में है, कितने मॉडल में है, और एक और चीज अपडेट बताऊंगा कि आखिर इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस कब लॉन्च होगी, कब आएगा, वो चीज भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हमने, अब एक नंबर गियर लगाते हैं, एक नंबर गियर से देखते हैं। ये अभी है हमारा एक नंबर गियर में, एक नंबर गियर में देखते हैं गाड़ी कितना स्पीड जाती है। ये देखो आप यहाँ से एक नंबर में 33, एक नंबर में 33 भाई, दो नंबर में 55, तीन नंबर में आप यहां पे देखोगे, तीन नंबर में जो गाड़ी है वो आपका कुछ ये इतना स्पीड जा रही है, तीन नंबर में खींचने पे 65, चार नंबर में अगर ले जाऊंगा मैं तो थोड़ा सा भी मैं आपको आगे चलो दिखाता हूं, चार नंबर गियर में ये कितना जाती है ओवरऑल स्पीड। थोड़ा सा बिजी रोड है सो दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रहा है, बट यहाँ पर अभी आपको मैं चार नंबर गियर पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई, ये रोड पर जनरली अलाउ नहीं है बट ये लोग फिर भी ले आते हैं। चार नंबर गियर पे मैं गाड़ी को डाला और ये देखो भाई, अब इसका टॉप स्पीड आप देखोगे, चार नंबर गियर पे इसका जो टॉप स्पीड है 70 टॉप स्पीड जाता है चार नंबर गियर पे, ठीक है। अब चलिए लास्ट टाइम मैं एक बार और टेस्ट करता हूँ इसको पांच नंबर गियर पे, पांच नंबर गियर में कर लिया। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसका टॉप स्पीड, पांच नंबर गियर पे कितना ज़्यादा टॉप स्पीड। बट एक चीज़ है ना, इनिशियल पिकअप बहुत अच्छा है, आप पांच नंबर जैसी डालोगे इसमें तुरंत सा स्पीड है। बट भाई थोड़ा सा मेरे को क्या देखने को पड़ा ना कि जब दो नंबर तीन नंबर गियर में मैं रख रहा था इसको तो वाइब्रेशन ज़्यादा आपको मिल रहा था, वाइब्रेशन थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पाँच नंबर गियर में 79-80 यानी कह सकते हैं इसको 82-83 का आपका टॉप स्पीड जा सकता है आराम से, इजली एकदम मस्त। और कहीं हाईवे रहेगा तो आप उसमें और भी ज़्यादा लेकर जा सकते हो। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका इंजन कम्फर्टनेस, इंजन से किसी भी तरीके का ट्यूनिंग नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं इंजन की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि 159 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है, जो कि 16.04 PS की मैक्सिमम पावर और 13.85 न्यूटन मीटर की आपको इसकी मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो कर्व वेट है ना, वो आपको 138 kg का कर्व वेट है। 160 सीसी का बाइक है और 138 kg का आपको इसका कर्व वेट मिलता है। इसके साथ साथ इसमें आपको देखिए मोड्स मिलेंगे, अभी आपको मैं जनरली वीडियो में बहुत बार बताता था कि मोड्स मिलेंगे, बट अभी मैं इस मोड्स को यूज़ करके देखता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, अभी
ये देखो यहाँ पे अगर मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, तो ये स्पोर्ट्स मोड पे अभी गाड़ी चल रहा है हमारा। क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी आप आराम से थोड़ा सा गाड़ी को रेस करेंगे, तो रेस करेंगे तो एक बार बस देख रहे हो एग्जॉस्ट को बस थोड़ा सा मैं खींचा और भाई गाड़ी का स्पीड देखो यहाँ पे, गाड़ी का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। तो इस चीज का मजा थोड़ा सा आता है स्पोर्ट्स मोड में। और इसका हॉर्न सेक्शन भाई, अभी तक ना अपाची का हॉर्न इतना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें होता है ड्यूअल टोन का हॉर्न, और जब ड्यूअल टोन का हॉर्न आप कहीं मारते हो ना, तो थोड़ा सा एक बड़ा ही प्रीमियम लगता है, और लगता है कि हाँ कोई अच्छा, मतलब थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लगता है। इसके साथ साथ क्लिप ऑन बार टाइप का इसका हैंडल मिलेगा। यहाँ पे अगर फ्यूल टैंक की बात कर ले तो यहाँ पे आप देखोगे 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जिसमें अब आपको BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 का मिलता है। क्लच सेक्शन की बात करें तो क्लच भी आपको काफी ज्यादा सही है। आप यहाँ पे देखो काफी लाइट है, काफी हैंडी है, आप इजिली इसको कर सकते हो। पास लाइट का ऑप्शन थ्रू हो गया, हेडलाइट हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मोड है और एक इंजन के स्विच है। तो ओवरऑल तो ये सारा चीज हो गया। एक बार चलिए अब आपको इसका ब्रेकिंग टेस्ट मैं करके दिखाता हूँ। अभी गाड़ी हमारा एक नंबर में है, एक नंबर में खींचते हैं और फिर इसका आप ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इसका जो ब्रेक है ना वो सिंगल चैनल ABS है। तो क्या ABS फ्रंट ब्रेक सिर्फ लेंगे, रियर का ब्रेक अपने को नहीं लेंगे? एक नंबर गियर में देखो 25 तक गया ब्रेक, ये देख रहे हो ब्रेकिंग इसका, भाई ब्रेकिंग ठीक है। दो नंबर गियर पे एक बार चेक करते हैं, सिर्फ आगे का ब्रेक लेंगे, इसका ABS टेस्ट करेंगे। दो नंबर पे हम लेकर गए इसको 47 तक, ये देखो ब्रेकिंग, देख रहे हो ब्रेकिंग, ब्रेकिंग दो नंबर गियर पे आप देखें। तीन नंबर गियर पे ले चलते हैं, तीन नंबर में इसको टॉप स्पीड खींचते हैं, तीन नंबर गियर में लेके गए, टॉप स्पीड इसका 57-58 पे गए। अब इसका ब्रेक लेते हैं, ये देखो आप ब्रेकिंग देख रहे हो, इसका बस कांटा देखो भाई, मीटर मीटर ये सेक्शन देखो ना, आपको खुद को खुद पता चलेगा कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा तगड़ा है। अब आपको सीधे पाँच नंबर पे लेकर चलते हैं, और पाँच नंबर पे है ना आपको वहाँ पे दोनों ब्रेक लेकर दिखाते हैं, फ्रंट का भी ब्रेक लेंगे और रियर सेक्शन का भी ब्रेक लेंगे। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रंट का भी ब्रेक लेते हैं और रियर का भी ब्रेक लेते हैं, और देखते हैं कितना मतलब दूर जल्दी ये रुकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इलेक्शन जो लिखा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखो देख रहे हो ब्रेकिंग भाई, ये इलेक्शन देखो हमारे यहीं पे है बाजू में, बस थोड़ा सा एकदम विद इन अगर मैं बोलूँ ना तो आपको 5 से 10 मीटर के अंदर इसका ब्रेकिंग सिस्टम लगता है। और इसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS। आपको फ्रंट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम। और अभी आपको मैं इसका टॉप स्पीड भी चेक कराऊंगा, देखते हैं इसको ले जाते हैं अच्छे जगह पे खाली रोड पे, और इसका टॉप स्पीड क्या है सारा कुछ आपको बताते हैं, माइलेज कितना दे देती है भाई अभी मैं वो भी बात करूंगा इस वीडियो में कि आखिर ये जो बाइक है वो माइलेज कितना दे देती है, टॉप स्पीड कितना ले जाएगी वो तो मैं आपको अभी लाइव ही बताने वाला हूं टॉप स्पीड कितना ले जाएगी। इससे पहले एक बात करें ना बैठने का, तो यहां पे कंफर्टनेस बहुत अच्छा, अभी मेरे पीछे राइडर पिलियन भी बैठा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको बैठने में? कंफर्ट फील हो रहा है। सस्पेंशन वाइज अगर देखें ना, तो सस्पेंशन में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और पीछे में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो ये देखो इस तरीके का फ्रंट का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। बस आगे का भाई ABS लेना है, गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम देखो, ये देख रहे हो, ये देखो फील हो रहा होगा आपको, आपको भाई वीडियो में फील हो रहा होगा, बट मेरे को अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो पीछे का सस्पेंशन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन माना गया अभी तक, बट मोनो शॉक रहता तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा बेस्ट होता। बट हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या कहते हैं ना कि भाई ये जो अपाची RTR 160 है ना, इसमें ड्यूअल चैनल ABS कब आने वाला है? तो मैं उनको बता दूँ कि मे भी अभी जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में गाड़ी का जितना भी अपडेट होता है ना होता है। अभी मार्च चल रहा है, क्योंकि आज जो वीडियो आप देखोगे तो उसमें तो अप्रैल हो गया होगा, बट ये वीडियो मैं 31 मार्च को शूट कर रहा हूँ, तो उस टाइम मार्च क्लोजिंग के टाइम अभी तक कोई कंपनी की तरफ से आइडिया नहीं है कि ड्यूअल चैनल ABS कब तक आएगा, बट मे भी चांसेस हैं कि आपका जून जुलाई तक इसको भी कंपनी कहीं ना कहीं ड्यूअल चैनल ABS करेगी, क्योंकि आप देखोगे अपाची RTR 164V में ड्यूअल चैनल ABS आ गया है, तो इसमें भी ड्यूअल चैनल ABS करेगी। इसमें भी आपको स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, आपको पता है स्मार्ट कनेक्ट क्या होता है? आप अपने फ़ोन के थ्रू है ना इस बाइक को पूरा पूरा कंट्रोल कर सकते हो, सारा चीज़ आप अपने फ़ोन के थ्रू देख सकते हो, तो ये है स्मार्ट कनेक्ट। और अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अपाची टोटल 3 मॉडल में आता है, एक तो आपका पहला डिस्क मॉडल में आता है
जिसमें ABS रहता है। दूसरा आ जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ ड्रम ब्रेक रहता है और डिस्क नहीं रहता है। और तीसरा जो होता है वो आपको आता है डिस्क के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्शन यानी स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ। और सभी का प्राइस बताए तो जो बेस मॉडल का प्राइस है वो लगभग 1,50,000-52,000 के आसपास पड़ता है। और इसके बाद जो सिर्फ डिस्क के साथ रहेगा, स्मार्ट कनेक्ट के साथ नहीं रहेगा, उसका प्राइस पड़ेगा 1,54,000 और जो ब्लूटूथ के साथ भी रहेगा, ABS के साथ भी रहेगा, मतलब पूरा का पूरा आपको फैसिलिटी जो देगा अपाची में वो मिलेगा आपको 1,56,000। तो चलिए अब चलते हैं खाली जगह पे और थोड़ा सा इसका टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं, टॉप स्पीड कैसा है, वहाँ पे इसका ब्रेकिंग कैसा है, वहाँ पे इसका कम्फर्टनेस कैसा है, सारा चीज़ आपको वन बाई वन करके बताते हैं। सो गाइस चलिए अब ये अपाची RTR 160 का एक बार हम लोग टॉप स्पीड नापते हैं कितना ये टॉप स्पीड जाती है। ये देखना आप यहाँ से ये देखो भाई, बस आप देखते रहना यहाँ पे, आप सिर्फ यहाँ पे देखते रहना इसका टॉप स्पीड कितना जाता है। मैं आगे देखता हूँ, आप मीटर कंसोल के पास देखते रहो भाई। ये देखो एक सौ चार तक मैं लेकर अभी गया था। अभी रुको, मैं आगे एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि अभी इसका टॉप स्पीड कितना जाएगा। बट हमारे यहाँ है क्या कि थोड़ा सा रोड का इशू है ना, तो उस तरीके के मैं पब्लिक प्लेस पे कर नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके के रोड पे करा। बट यहाँ पे भी स्पेस का थोड़ा सा इशू है, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रहता ना, अगर हाईवे रहता तो हाईवे पे और ज़्यादा इसको खींच सकता था। बट यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। आप ये देखो, आप सिर्फ यहाँ पे भाई इसका टॉप स्पीड देखना कि मैं इसको कितना ले गया। और ये चीज़ मैं पब्लिक प्लेस में नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी अगर वीडियो देख रहे होगे तो पब्लिक प्लेस में इसको बिल्कुल भी ना करें, एकदम खाली जगह पे करें जहाँ कोई भी किसी को हार्म ना हो, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ये अभी इसका टॉप स्पीड आप यहाँ से चेक करना, ये देख रहे हो 84, 85 भाई, 100 पार हो जा, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, मतलब कहें तो अगर नॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी है वो आपको 105 तक इजली जा सकती है। ये है क्योंकि इसमें नया गाड़ी है तो थोड़ा सा लिमिटर भी सेट होता है ना, तो कुछ इस तरीके का इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट वैसे आपको ये टॉप स्पीड कैसा लगा, आप के पास भी अगर अपाची है तो आप इसको कितना टॉप स्पीड लेकर गए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बात करते हैं इसका थोड़ा थोड़ा क्विक वॉक अराउंड ना, तो सबसे पहले इस गाड़ी में मेजर चेंजेस जो है वो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ बोलने का सेंस कि अगर आपका ये बाइक लगा रहेगा और आपका स्टैंड लगा रहेगा तो आपका ये बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अभी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, ये हमारा स्टैंड लगा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लच लिया और यहाँ पर मैं सेल्फ लिया, ये देखो भाई स्टार्ट नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका भैया साइड स्टैंड लगा हुआ है। बट यहीं पे आपको मैं यहाँ पे देखो स्टैंड हटाया, स्टार्ट करता हूँ अब, ये देखना आप, ये देख रहे हो गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसको यूनिक बनाती है। और अभी सेफ्टी पर्पज़ से भी अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ये अपाची RTR 160 में देखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।